आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाकर आप एक महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हो। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेना है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करना है 1 चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा शुगर, मतलब कि 1 चम्मच के लगभग में ज़्यादा है। शुगर को अच्छी तरह से नीचे फैला लेना है। उसके ऊपर हमें ऐड करना है अंडा। तो यहाँ पर मैं 2 अंडा यूज कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि शुगर को ही नीचे फैलाकर अंडा डालना है, जिससे कि जो हीट है कढ़ाई की वो शुगर पर आए, अंडे पर कम आए। और जब इसे हम चलाएंगे तो कंटिन्यू चलाएंगे, फटाफट चलाएंगे कि अंडा कढ़ाई में कम जैसे लग पाए। जितना अंडा कढ़ाई में लगेगा उतना जल्दी ये कुक हो जाएगा। तो हमें अंडे को कुक नहीं करना है, सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है। और फ्लेम को बिल्कुल ही हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर हमें इसे मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए शुगर हो चुका है मेल्ट। तो अभी हमें इसमें ऐड कर लेना है आटा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गेहूं का आटा। आप इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हो। तो 1 कप गेहूं का आटा डाल दिया और यहाँ पर 2 कप लिया है, लेकिन मैं अभी 1/2 कप ऐड कर रही हूँ। अगर आगे लगेगा तो मैं डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। ये अंडे पर डिपेंड करता है। अंडा आपका जितना बड़ा छोटा होगा उसी अनुसार से आपका आटा लगेगा। 1/2 कप ऐड कर देंगे बारीक वाली सूजी और 1/2 कप ही ऐड करना है हमें चूड़ा यानी कि पोहा। साथ में ऐड करेंगे 3 चुटकी के लगभग में नमक और ऐड कर देना है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। नमक डालने से इसका जो मीठा है वो बैलेंस हो जाता है और खाने में हमारी जो रेसिपी बनेगी टेस्टी लगेगी। और जो हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है उससे इसका जो अंडे वाला गंध है वो चला जाएगा और बहुत अच्छी सी महक आएगी। टेस्टी सा हमारा ये बनकर रेडी होगा। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हमें फ्लेम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसे अब हाथों से ही अब हमें इकट्ठा कर लेना है। तो अभी ये बहुत कम गर्म है, गुनगुना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है कढ़ाई, लेकिन गर्म है। तो मैं इसे क्या करूँगी, हल्का सा इकट्ठा कर कर कढ़ाई से बाहर निकाल दूँगी। तो यहाँ पर इसे हम बाहर निकाल कर अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। और आप देख सकते हो डो को टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं रेडी करना। तो मुझे फिर से आटा वाटा लगा नहीं, सिर्फ 1.5 कप गेहूं का आटा लगा है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा गीला है आपका डो तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड कर सकते हो। तो 1 चम्मच घी लगाया, मिक्स किया और इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। यहाँ पर पैन में मैंने ऐड कर दिया है घी। मैं घी में ही इसे फ्राई करूँगी। आप चाहे तो ऑयल में फ्राई कर सकते हो, तो आपको रिफाइंड ऑयल यूज कर लेना है अगर आप ऑयल में बना रहे हो तो। तो यहाँ पर आटे ने भी रेस्ट कर लिया है। तो चलिए इसे निकाल लेंगे और किचन स्लैब पर रख कर इसे अच्छी तरह से हम गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी भी टाइट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं है। तो इसे गूंथ लेना है, इसकी हमें लोई कट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी 3 लोई कट कर ले रही हूँ। और इसे हमें 1 लोई को लेना है और हल्के हाथों से दबाकर इसे फैला लेना है। फिर बेलन लेना है, हल्का सा इसे बेल देना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, मोटा ही रखना है। तो आप देख सकते हो बस इतना ही बेलना है, इससे ज़्यादा नहीं बेलना है। अब इसे हम कोई भी गिलास या कटोरी ले लेंगे बड़े साइज की, जिससे थोड़ा बड़ा सा ये कट हो जाए। तो इस यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया है, इससे हम प्रेस करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसे 4 पीसेस में कट करूँगी, जिससे कि ये छोटा छोटा भी हो जाएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 4 पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी से लाइंस बना देंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं एक एक लाइन बना रही हूँ कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं एक और तरीका आपको दिखाऊँगी कि वैसे भी आप बना सकते हो, मतलब ढेर सारे लाइंस भी बना सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। कभी भी आपको जब कुछ मीठा खाने का हो मन ना, तो आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है, इसे बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हो। तो देखिए दूसरा भी हम वैसे ही बना लेंगे, लेकिन इसमें लाइंस है ना तो थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे। मतलब इसमें मैं 3-3 लाइंस बना रही हूँ कि ये और भी प्यारा दिखेगा। आप देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ चाकू से हल्का सा रख कर हल्का हल्का सा प्रेस करना है।
पूरा दबाना नहीं है कि कट हो जाए। तो कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो। तो चलिए इसे तल लेते हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई में जो घी है वो भी गर्म हो चुका है। तो मैं बनाती जाऊंगी और तलती जाऊंगी। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं तलना। इसको धीमी आंच पर आराम से उलट पुलट कर तल लेना है। तो देखिए अभी एक साइड से ये हल्का हल्का हो गया है, तो मैं इसे दूसरी साइड पलट ले रही हूँ। मतलब ऐसा आपको करना है कि नीचे से ये लग ना पाए, सिर्फ इसे लाल लाल कर कर आपको बना लेना है। तो अभी देखिए कितना बढ़िया लाल लाल हो चुका है, तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो एक बैच को तलने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तल लेंगे। तो सारे बिस्किट को तल कर हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से बिस्किट बनकर हो गए हैं रेडी। खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खस्ता बनते हैं। और देखिए कितना ये प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत।